आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि पेपल का जो मर्चेंट आईडी होता है उसको हम लोग फाइंड कैसे करते हैं। जब भी हम लोग अपने वेबसाइट के अंदर पेपल पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करते हैं तो वहाँ पे लाइव मर्चेंट आईडी मांगता है। तो अगर आपको लाइव मर्चेंट आईडी जो होता है वो अगर आपको ढूंढने में परेशानी हो रही है, अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो दोस्त आप इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। मैं इसी के बारे में आज यहाँ पे बताने वाला हूँ और ये प्रॉब्लम आपका समाधान हो जाएगा। तो मेरा नाम रंजन कुमार है और आप देख रहे हैं उरू ऐप। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने पेपल अकाउंट को लॉग इन कर लेते हैं। पेपल अकाउंट लॉग इन करने के बाद दोस्त आपका यहाँ पे जो प्रोफाइल है ना, इस प्रोफाइल पे आइए और यहाँ पे अकाउंट सेटिंग्स पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्त आप अकाउंट सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं तो दोस्त आप यहाँ पे नीचे में आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे बिजनेस इन्फॉर्मेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्त आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो दोस्त आपको यहाँ पे पेपल मर्चेंट आईडी जो मिलता है यही लाइव मर्चेंट आईडी है और इसको आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्त आप इस तरह से अपना जो मर्चेंट आईडी है इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्त अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्त आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि इस तरह का वीडियो बनाने में हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और दोस्त अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए और साथ में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए।